ये पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे तो राजा की जबान से निकला हुआ हर शब्द कानून होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब कोई इतना स्विफ्ट जजमेंट नहीं हो सकता कि बादशाह ने कह दिया कि इसे फांसी दे दो या इसका घर गिरा दो, अब उसकी एक प्रोसेस है। सोनी टीवी ने अमिताभ बच्चन ने मिलकर के गोदी मीडिया के पत्रकारों की फजीहत कर डाली है जी हाँ, जम करके ट्रोलिंग हो रही है। आपके साथ कुवैत के हवाले से क्या अपडेट है जी हाँ, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, कुवैत की बताई जा रही है, सोनम महाजन शेयर करती है इस वीडियो को। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुवैत में जो भारतीय रह रहे हैं वो प्रॉफिट की डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार देश भर से और इंटरनेशनल लेवल से आवाज उठाई जा रही थी कि नूपुर शर्मा और जो भाजपा के स्पोक पर्सन थे जिनको पहले तो भाजपा ने सस्पेंड कर दिया लेकिन फिर भी मांग जारी थी कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये कुवैत से है। इसके बाद एक और अपडेट निकल के आई आपकी स्क्रीन पर, ये वीडियो कश्मीर की बताई जा रही है जी हाँ, लगातार प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्ट के हवाले से अपडेट्स एक के बाद एक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हांस भी घिरे जा रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर। केआरके ने हांस पर तंज कसा है आपकी स्क्रीन पर, जिस तरीके से मुसलमानों की तरफ से तो आवाज उठाई जा रही है इसको लेकर के केआरके ने तंज कसा है हांस पर। अपने ट्वीट में कहा है कि जब देश में बात इस्लाम नबी और मुसलमानों की होती है तो ये फेक खान एक्टर्स दुपक जाते हैं और ईद पर फिल्म रिलीज करके मुसलमान होने की दुहाई दे करके मुस्लिम से फिल्म देखने की भीख मांगते हैं, शर्म तो इनको आती नहीं। यानी अभी तक किसी भी खान एक्टर की तरफ से प्रॉफिट की रिस्पेक्ट को लेकर के कोई भी ट्वीट कोई भी बयान इस वक्त जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर के आर के ने उनके ऊपर तंज कसा है कि ईद पर तो अपनी पिक्चरें ठीक रिलीज कर देते हैं, बकरीद पर भी कर देते हैं, लेकिन जब ऐसी नौबत आती है कि उनकी जरूरत होती है मुसलमानों को तो उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आता है। लेकिन अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो कि जुड़ी हुई है सोनी टीवी से, असल तो जुड़ी हुई है गोदी मीडिया से, कि गोदी मीडिया की पूरी तरीके से ट्रोलिंग होती देखी गई है केबीसी में। यहां हो सकता है कि एक प्रमोशनल स्टंट हो लेकिन जिस तरीके से ट्रोल किया है अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछ करके, और सवाल क्या था, सवाल ये था कि ये जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है वो किस में है, ऑप्शन दिए, ऑप्शन में 2000 का नोट भी था और वो औरत 2000 का नोट चुन लेती है ऑप्शन में और वो सवाल का गलत जवाब देती है और वो हार जाती है। जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लो लेकिन पहले टटोल लो, तो निशाना किस पर था और निशाना किस पर होगा। यहां सोनी टीवी ने भी ट्वीट कर दिया कि वो हम सब जानते हैं उस एक शख्स को जो बिना परखे जाने लोगों को खबरें परोसता है, उन्हें टैग करें कमेंट में। लोगों ने सुधीर चौधरी को और श्वेता सिंह को टैग करना शुरू कर दिया, वजह मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि जब 2000 के नोट आए थे मार्केट में डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो जिस तरीके से मीडिया ने यह हल्ला मचाया था कि उनमें जीपीएस टेक्नोलॉजी है, आपका सैटेलाइट से डिटेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, श्वेता सिंह की हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो जो चल रही है वो उन्हीं की है। उन्होंने कहा था कि आपके पैसे कहीं गड्ढे में दबे भी हो ना, छुपाने की कोशिश भी की जाए ना, तो वहां से भी इनकम टैक्स जो है वो डिटेक्ट करके निकाल लेगी, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ। और सबके चहेते सुधीर चौधरी पीछे नहीं थे, ये आपकी स्क्रीन पर 2000 रुपए के हर नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा होगा। काफी जमकर के ट्रोलिंग हो रही है और पत्रकार भी पीछे नहीं है इस ट्रोलिंग के अंदर। एक एक करके पत्रकार के रिएक्शन शेयर करूंगा आपकी स्क्रीन पर। उत्कर्ष सिंह लिख रहे हैं कि 2000 के नोट में चिप वाली बात किस किसने कही थी, और मांग करते हैं कि आपसे किसने कही थी और आपको कहां से पता चला था ये 2000 के नोट में चिप है, कमेंट में आप भी करके बताइए। साथ ही साथ NDTV के पत्रकार संकेत उपाध्याय भी ट्वीट करके लिखते हैं कि ज्ञान जहां से मिले बटोल लीजिए लेकिन पहले टटोल लीजिए, गजब बोले बच्चन साहब। यहां अमिताभ बच्चन की भी तारीफ हो रही है लेकिन अमूमन ट्रोल वो भी होते रहते हैं, लेकिन सोनी टीवी ने यह सवाल क्यों चुना, ये बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि ये एक प्रमोशनल स्टंट हो सकता है लेकिन ट्रोलिंग जो है वो तो गोदी मीडिया की हो गई। आपकी स्क्रीन पर यह है आफरीन फातिमा। आफरीन फातिमा का घर जो कि प्रयागराज में है उसे ढहा दिया गया, गिरा दिया गया उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर द्वारा। और आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नूपुर शर्मा के बयान की वजह से अंतरराष्ट्रीय तौर पर देश की नाक कटी, कानपुर में दंगे हुए, जगह जगह पर तकरार जैसे हालात, रांची में दो लोग मारे गए उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नूपुर शर्मा को
कटघरे में रखना तो दूर अब तक साफ तक नहीं हुई है। आफरीन फातिमा का घर जो है वो गिरा दिया गया है। उनके पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन पर आरोप है कि प्रयागराज में जो टकराव हुआ, जो दंगे जैसे हालात हुए, उसके मास्टरमाइंड उनके पिता थे। कानून की बात करें, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा, लोक लुभावन राजनीति के हिसाब से नहीं चलने वाला है। कानून की कौन सी किताब कहती है कि बगैर आपका गुनाह साबित किए आप पर बुलडोजर चल सकता है? आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार और डीएम संजय खत्री जावेद मोहम्मद के घर के मलबे के सामने खड़े हैं। ये वीडियो देखिए, पूरी स्क्रीन पर देखिए, इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, इनके चेहरे की संतुष्टि देखिए, मानो न जाने कौन सा तीर इन्होंने मार लिया है। मुलाजिम दोनों सरकारी कौन सा महान काम किया है? इन दोनों ने संविधान की शपथ ली होगी। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि मुझे दिखाइए कानून की किताब का वो पन्ना, वो शब्द जो बुलडोजर की इस कार्रवाई को जायज ठहराता है। नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि हिंसा भड़क गई। अब यूपी में सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। यूपी में 13 एफआईआर और 304 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अब नुपुर शर्मा पर लगी आग को वैसी और भड़का रहे हो, वैसी आग में घी का काम कर रहे हैं। गुजरात में गरजते हुए वैसी ने एक तरफ तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर डाली, दूसरी तरफ प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद उर्फ के घर पर चले बुलडोजर के खिलाफ योगी सरकार को ललकार दिया। वैसे कह रहे हैं कि सीएम खुद अब अपने आप को चीफ जस्टिस समझ रहे हैं। शर्मा के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन होता है। और इस पूरे मामले पर और अच्छी तरह से हमें समझाने के लिए फैजान मुस्तफा मौजूद हैं, संविधान के जानकार हैं, कानूनविद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप ही से जानना चाहूंगी किस तरह से ये प्रयागराज का मामला सामने आया है और जिस तरह से ये बुलडोजर चले हैं तमाम मामलों में, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो प्रशासन है वो ये कह रहा है अवैध निर्माण हुआ है। निधि जी, देखिए दो प्रिंसिपल है कानून के, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड and justice hurried is justice buried. तो अगर बहुत जल्दी न्याय किया जा रहा है, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये न्याय बहुत तेजी से हुआ है और ये न्याय था, तो वो दफन करने के बराबर है न्याय को, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका टाइम दिया जाना चाहिए। तो एक तो जो स्विफ्टनेस ऑफ एक्शन हुई है इसमें, जितनी जल्दी में ये मामला हुआ है, मुझे नहीं मालूम कहां तक ये बात सच है कि वो नोटिस मई में दिया गया था और वो नोटिस चस्पा हुआ और उन्हें बुलाया गया। अगर वो है बात सही तो ठीक है, सरकार की बात सही होगी। लेकिन ये कि एक प्रिंसिपल जो हमारे क्रिमिनल लॉ में हमने एडॉप्ट किया वो है व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर मैंने जुर्म किया है तो मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को आप उसकी सजा नहीं देंगे। ये निधि जी, जो एक कलेक्टिव सजाएं होती थी कि गांव के एक आदमी ने जुर्म किया और पूरे गांव को उसकी सजा दी जाए, ये तो प्राचीन काल में होता था। क्रिमिनल लॉ तो उससे बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न बन चुका है। अगर हम चीजों में पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो लॉ में प्रोग्रेस हुई उस पूरी प्रोग्रेस को हम नकार रहे हैं, तो एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से जिसने इतने सालों संविधान पढ़ाया हो, मुझे बड़ा अफसोस होगा कि हम रूल ऑफ लॉ की तरफ आगे बढ़ने के बजाय हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जिस जल्दी से इस पर एक्शन हुआ और इमीडिएटली आफ्टर फ्राइडे प्रोटेस्ट के बाद हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया। इस केस में ऐसा लग रहा है कि जैसे न्याय नहीं हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने स्टेटमेंट दिया कि ये बिल्कुल पूरी तरह इलीगल है।
अगर ऐसा है तो फिर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था और न्याय के कंसेप्ट पर प्रश्न चिन्ह है, जिसे हमें सोचना चाहिए। हर चीज सिर्फ एक डर पैदा करने के लिए करके हम क्या करेंगे कि लॉ की जो रिस्पेक्ट है समाज में वो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। दूसरी तरफ ये घर जो है ढाना, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति है वो दोषी है, वो अपराधी है, लेकिन ये घर पत्नी के नाम है, तो उस लिहाज से क्या घर को गिरा देना ये इतनी कार्रवाई इस तरह से ये अपने आप में बिल्कुल अचंभे में डालती है। फिर अगर आप गिर भी गया है तो भी क्या कानून कहता है, मैं आपसे ये तीनों चीजें एक साथ पूछना चाहती हूँ, तो आप हमें तफसील से समझाएं। पहली चीज तो ये है कि अगर ये पत्नी के नाम था तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई उनके पति के किसी गलत काम के लिए नहीं हो सकती या बेटी के गलत काम के लिए नहीं हो सकती, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर हथियार मिले या कुछ ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला, वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर किसी के पास गांधी जी की लिखी किताब मिले तो इसका मतलब वो अहिंसावादी नहीं है, और किसी के पास अगर टेररिज्म वाला लिटरेचर मिले तो वो आतंकवादी नहीं। तीसरी चीज ये कि अब जो कुछ हो चुका उसको जस्टिफाई करने के बजाय अगर हम ये कहें कि साहब ये एक गलती लोअर ऑफिसर से हो गई और सरकार इस मामले को जो है वो ठीक करेगी, तो उससे कानून और सरकार की इज्जत समाज में बढ़ती है। तो अक्सर नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गलती होती है और सरकार की छवि उससे खराब होती है, तो ऐसे में सरकार को अपने ऑफिसर्स को डिसोन करना चाहिए और गलती हो तो गलती मान लेनी चाहिए ताकि उससे एक हीलिंग टच होता है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि देश में रूल ऑफ लॉ हो और लोगों की नजरों में कानून का सम्मान हो। अगर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ समाज से खत्म हो जाएगी तो हम पूरी तरह एक अनार्की की तरफ और अराजकता की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये पूरा जो कई सदियों का सफर मानवता का रहा है रूल ऑफ लॉ को लाने के लिए, रूल ऑफ मैन को हटाने के लिए, ये पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे तो राजा की जबान से निकला हुआ हर शब्द कानून होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब कोई इतना स्विफ्ट जजमेंट नहीं हो सकता कि बादशाह ने कह दिया कि इसे फांसी दे दो या इसका घर गिरा दो, अब उसकी एक प्रोसेस है, और ये पूरी ड्यू प्रोसेस प्राइवेसी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए और जो स्थितियां बनी हुई है उनको समझाने के लिए।